हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो आज है थर्सडे और आज हमारे राजस्थान का ही प्रसिद्ध त्यौहार है, आज है हरियाली अमावस्या। इसीलिए मैंने हरी हरी मतलब ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है। हमेशा हर साल तो हरियाली अमावस्या के दिन बहुत बारिश वगैरह आती है, लेकिन इस बार तो एकदम सूखा सूखा है, लग ही नहीं रहा कि हरियाली अमावस्या है। तो मैं आज उठ गई हूँ, नहा धो के रेडी हो रही हूँ और रेडी होकर मैं मंदिर जाके आ गई थी। उसके बाद आज के दिन कुछ स्पेशल डिशेस बनाई जाती है। रबड़ी बनाते हैं, मालपुए बनाते हैं और इन दोनों का मिक्सचर रबड़ी मालपुआ भी बनाते हैं। रबड़ी मालपुआ कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले 1 लीटर फुल फेट दूध लिया है और उसको गैस पर उबलने के लिए रख दिया है। उसको तब तक उबालना है जब तक कि 1 लीटर का आधा लीटर दूध ना रह जाए। तो मैंने उसे उबलने रख दिया है और जब तक उसमें एक उबाल ना आ जाए तब तक हमें चलाते रहना है ताकि दूध उसके पैंदे से चिपके नहीं। और अब देखिए, उबाल आने के बाद इस तरह से उबल रहा है तो उसे छोड़ देना है, बीच बीच में चलाते रहना है। साथ ही हम बनाएंगे पकौड़ी की सब्ज़ी, तो उसके लिए हम पकौड़े रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। और मैं इसमें आधी चम्मच के करीब अजवाइन डाल रही हूँ। बेसन की कोई भी चीज़ बनाए तो उसमें अजवाइन डालना ही चाहिए। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसका एक बैटर रेडी करूंगी। इस वाली पकौड़ी का बैटर थोड़ा सा ज़्यादा ढीला रखना होता है, एकदम थिक बैटर नहीं रखना होता है, क्योंकि ये पकौड़ी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। वरना जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे और पकौड़ी अगर टाइट टाइट होगी तो सब्ज़ी खाने में मज़ा नहीं आएगा, इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। तो अब मैं इसका बैटर रेडी कर रही हूँ और जब तक बैटर रेडी हो रहा है तब तक मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और एक तरफ रबड़ी मालपुए के लिए रबड़ी भी बन रही है। तो ऑयल मेरा गर्म हो गया है और अब मैं इसके लिए पहले पकौड़े बना दूँगी। तो जैसे हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं उसी तरह से पकौड़ी बनानी है और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हमें फ्राई करना है। पकौड़ी को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अब मेरी पकौड़ी बनके रेडी हो गई है और जिसमें बैटर हमने बनाया था उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। जो बेसन इसमें चिपका हुआ है उसको हम अच्छे से धो लेंगे और जब सब्ज़ी बनाएंगे तब उसमें इसे यूज़ कर लेंगे, तो सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी। और ये देखिए, हमारी पकौड़ी बनके रेडी है और अब रबड़ी जब तक बन रही है तब तक हम मालपुए के लिए शुगर सिरप बना के रेडी करेंगे, यानी कि हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने ली है 1.5 कटोरी चीनी और उसमें डाला है मैंने 1 कटोरी पानी। देखिए, मेरा दूध भी उबल के रेडी हो गया है। इसमें हमें शक्कर वगैरह कुछ नहीं मिलाना है। देखिए, 1 लीटर का आधा लीटर जितना दूध रह गया है, अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो जब तक ठंडा हो रहा है हमारी चाशनी भी एक तरफ बन रही है। चाशनी जब हम मालपुए बनाते हैं तब थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए। तो अब मैं जब तक चाशनी उबल रही है तब तक मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। सब्ज़ी फ्राई करने के लिए मैंने जो वो बेसन का बैटर वाला बर्तन धोया था उसी में मैंने मसाले ऐड कर लिए। कोई अलग से मसाला नहीं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर ही डाला है। ऑयल गर्म करके उसमें मैंने हींग, ज़ीरा और हरी मिर्ची डाली और ये वाला जो मैंने मिक्सर बनाया था वो इसमें मैंने डाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा बेसन है इसलिए इसे थोड़ी सी देर पकने देना है, 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पकाएंगे। अब इसे इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये बेसन नीचे चिपके नहीं, क्योंकि बेसन हमेशा गैस पे चढ़ाने के बाद जैसे जैसे गर्म होता है तो गाढ़ा होता जाता है और बर्तन से चिपकने लगता है। तो हमें इस तरह से हिलाते रहना है। और अब बेसन अच्छे से पक गया है, मैंने उसमें पानी ऐड करके छोड़ दिया है। जब तक उसमें उबाल आता है तब तक मैं पकौड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूँगी। इस तरह से हमें पूरी पकौड़ी नहीं डालनी है और छोटे छोटे टुकड़े करके ही पकौड़ी डालनी है। अगर आप दही खाना पसंद करते हैं तो जब पानी का उबाल आ जाए तब आप उसमें दही भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, आजकल शुगर में बहुत सी गंदगी आती है तो उसको निकालने के लिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जितना दूध डाला है। और अब इससे जब जैसे ही उबाल आता जाएगा और वो जो गंदगी होगी वो भी इसमें ऊपर आती जाएगी, मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो मेरा ये देखो जो मसाला था वो अच्छे से पक गया है। इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसे मैं एक उबाल आने तक उबलने दूँगी। देखिए, ये जो गंदगी शुगर सिरप में है वो कैसे ऊपर आ गई है। अगर हम इस तरह से गंदगी नहीं निकाले तो इतनी गंदगी हमारे पेट में जाती है। तो देखिए, ये पूरा मैंने निकाल दिया है।
आप भी जब भी कोई मिठाई बनाएं और शुगर सिरप अगर आप बनाएं तो आप इस तरह से सिरप में से में थोड़ा सा दूध डाल के और उसका जो भी मेल होता है, जो भी गंदगी होती है, उसे इस तरह से निकाल दिया करें, तो इतना मेल अपने पेट में से जाने से बच जाएगा। तो मालपुए के लिए हमें ऑलमोस्ट इसी तरह की चाशनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। हमारी चाशनी बनके रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 इलायची, मैंने अच्छे से क्रश कर ली थी वो, और 5 से 6 केसर के तार मैंने इसमें डाले हैं। इससे मालपुओं को अच्छा सा कलर मिलेगा। अब मेरा एक तरफ मेरी सब्जी का पानी भी अच्छे से उबल गया है, तो मैंने वो बंद कर दिया था कि जब खाने वाले आएंगे या थोड़ी सी देर बची होगी खाने में तभी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अब टाइम हो गया है तो मैंने गैस फिर से ऑन कर दिया और ये पकौड़ी उसमें डाल दी है और इसमें अच्छे से मैं उबलने दूँगी। पापा को इसमें नींबू वगैरह नहीं पसंद है तो मैं अभी इसमें ऐड नहीं करूँगी, हम लोग ऊपर से ही डाल देंगे। अब हम बना रहे हैं मालपुए का घोल। तो जो वो आधा लीटर दूध था उसमें हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा डाला है। 1 कटोरी में लगभग 200 ग्राम के करीब आटा आता है। तो अगर आप मैदे के बनाना चाहते हैं तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। हम मैदा नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम गेहूं का आटा ही यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा घोल पतला लग रहा था इसलिए हमने 2 से 3 टेबल स्पून जितना आटा और इसमें मिक्स कर दिया। और अब देखिए इसका अच्छे से फेंट के हमें घोल बनाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इस घोल को नहीं रखना है। और इसमें मम्मी ने थोड़ा सा कलर के लिए जो फूड कलर आता है वो भी ऐड कर लिया था, तो हमको बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की चाहिए। तो वो सब बनके हमारा रेडी हो गया है। तब तक अब मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करने। तो 2-3 डोर्स जो मैं अभी आई हूँ ऊपर का पोछा करने, तो ऊपर के 2-3 डोर्स मैं क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद मैं ऊपर का पोछा कर लूँगी। नीचे का पोछा मैं बाद में ही करूँगी क्योंकि इस तरह का मीठा वगैरह बनाते हैं तो अभी बारिश का टाइम है तो बहुत मक्खियाँ हो जाती है, तो जब खाना खा लेंगे उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊँगी। अब हम बनाएंगे मालपुए। उसके लिए इस तरह के चौड़े पैन में हमने घी गरम किया है और चम्मच से इस तरह से हल्के से ही घी में हम छोड़ते हैं तो अपने आप ही ये गोल शेप ले लेते हैं। और मालपुए में देखो अच्छी सी जाली भी बन रही है। इसी तरह के मालपुए बनने चाहिए, बहुत ही टेस्टी ये रबड़ी के मालपुए लगते हैं। ऐसे सिंपल मालपुए भी बनते हैं जो घोल में ही शक्कर डाल के बनाए जाते हैं, उसमें दूध वगैरह नहीं डलता है, उसका घोल पानी में ही किया जाता है। तो ये रबड़ी वाले कुछ ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसलिए हमने ये बनाए हैं। तो देखिए इस तरह से हमको एक बार चिमटे के से पलट देना है और दूसरी साइड से भी अच्छे से इसे फ्राई करना है। तो देखिए कितने टेस्टी दिखने में ही लग रहे हैं और अच्छी सी जाली भी इनमें बनी है। तो अब ये हमारे मालपुए अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल देंगे और निकालते ही गरम गरम ही इन्हें हमें चाशनी में डालना है। तो देखिए चाशनी में डाल दिए हैं और अच्छी सी चाशनी भी इन्होंने अच्छी खासी पी ली थी और वे बहुत टेस्टी हमको लगे थे। तो हमारे मालपुए बन के रेडी है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, पकौड़ी की सब्ज़ी और मालपुए एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।